ऑन कर ऑन कर, पुलिस वाले ये देखो खाने बंद। और मैं जाके बता रहा हूँ ये है ये हवाबाजी कर रहा है कि वो भी कहेगा भोसड़ी के लगवाई किस पे तूने उठा भाई गाड़ी बढ़िया भाई ब्रेजा वाली फील दे रही है मिनी रेंज रोवर बैग ले फटाफट ओए वहां डाल दे गलियों में डाल अंदर ले अंदर ले वो आगे रॉन्ग साइड आ रहा है ले तेरे घर के बाहर ही खड़ा हो गया। सो हे गाइस वेलकम बैक, स्वागत है भाई आप सबका एक और नए व्लॉग में। आज का व्लॉग अभी स्टार्ट गया, मन तो नहीं था बनाने का क्योंकि मैंने कहा चलो थोड़ा बिना व्लॉगिंग के जी लूं, बट भाई बिना व्लॉगिंग के रह ही नहीं जाता। हमने कहा चलो जहाँ भी जा रहे हैं थोड़ा बहुत दिखा देंगे, जहाँ भी जा रहे हैं समझ जाओ। लैला मैं जा रहे हैं आज, कहाँ पे जा रहे हैं भाई? हम जा रहे हैं आज खान मार्केट, अच्छे से कैफे को एक्सप्लोर करने, कहीं अच्छा लंच करने। मैंने कहा भाई बहुत हो गया पटेल नगर के इधर उधर से खाना पीना, आज खान मार्केट में अच्छे से कैफे से कुछ खाना पीना खाएंगे, तो वहाँ पे खाते हैं। अभी तो ट्रैफिक मिल गया है, प्लान मेरे को बेकार लग रहा है, बट चलो कोई नहीं। बाकी ये गाड़ी में पता नहीं किसकी लिपस्टिक रह गई थी यार, कोई लड़की देख रही है अगर किसी की रह गई हो तो बता देना। माही किसे होर दीवाना हो गया, वेरी सैड सॉन्ग भाई। पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो चलाना है, पर कोई नहीं ब्लॉग बनाएंगे टाइम दी लेने पुल पे च पग वाले खड़े हो ब्लॉग तो स्टार्ट। ये देख देश का बजट ही ज्यादा ही है। मेन्यू देख, मेरे को तो ये बैकग्राउंड बढ़िया लग रहा है। चलो आरुष बोला के बारे में कुछ बोलो इन शॉर्ट। आरुष बोला बहुत ही प्यारा लड़का है, बहुत ही दिल से अच्छा और बहुत ही काइंड है। मैंने इसके वीडियोस में देखा है कितनी मदद करता है लोगों की, मैंने कहा मदद करी। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये हर वक्त हंसता रहता है और इसकी आंखों में इनोसेंस दिखती है और मुझे बहुत बहुत लगता है कि दिल से अच्छा इंसान है। वैसे इतना ज्यादा जानती नहीं हूँ, बट थोड़ा बहुत देख के वाइब्स आती है, वो अच्छी अच्छे इंसान है। आप कहाँ से आए? मैं आई हूँ बिहार से। दूसरा वाला बता। मैं लंदन से आई हूँ। ओए होए आरुष बोला से मिलने, उनकी वीडियोस ने आपकी बहुत हेल्प करी। हाँ जी। आपको डिप्रेशन से बाहर निकाला तो आपने दिल्ली की टिकट कराई, आपने आरुष बोला से रिक्वेस्ट करी, आरुष बोला आपका रिप्लाई नहीं कर रहे थे, फिर आपने लैला को मैसेज किया, फिर लैला ने मीटिंग अरेंज कराई। बहुत हेल्पफुल है लैला, और लैला जैसा प्यारा लड़का नहीं देखा मैंने, उसने बहुत हेल्प करवाई मेरी आरुष बोला जी से मिलने के लिए। और कुछ? अब आपकी जिंदगी सफल चले। चलो थैंक यू। तो दोस्तों खान मार्केट के बाद हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? रोमियो लेन। अब जा रहे हैं हम रोमियो लेन क्योंकि आज घूमेंगे, हमारी एक सब्सक्राइबर आई हुई है लंदन से, उसको थोड़ा बहुत घुमाना है तो हमने कहा वो अच्छी अच्छी जगह दिखाई। कह रहे थे हमें तू घुमाओ प्लीज आरुष, प्लीज प्लीज आरुष करिए, आरुष बोल प्लीज, आरुष बोल एक बार प्लीज आरुष। गाइस कैमरे के सामने बहुत शर्मा जाती है, बहुत यार, कैमरा ऑफ होता है, बहुत तारीफ करती है, इतनी तारीफ करती है कि हमारा दिल भर आया कि मतलब हमारे प्रति इतना प्रेम है लड़कियों के दिल में। इसका बस चले जैसे वो सॉरी यार की ओरिजिनल आइसक्रीम ना दी थी वैसे चाटती थी, वैसे गिनने को चाट जाए। देखो ये तो हाँ बोल रही है, मैं इसकी जैसे 2 रुपए वाली नाइस नहीं पीते तो स्कूल में मिलती थी वैसे पी जाए। मेरी गाड़ी को नहीं यहाँ पे ले आया, इधर भी दिखा, वो भी दिखा रहे यार, वो कितने को नहीं दिखा रहा। लैला कैसा लगा भाई? बहुत अच्छा, गुड एम्बियंस, रिच मैन लग गया। पटेल नगर में घूम घूम के बोर हो गए थे। आरिश बोला सच अ हम्बल पर्सन। तो दोस्तों भी बज रहे हैं 7 और तुम्हारे भाई ने यहीं पे चिकन वाला सैंडविच मंगाया, वो खा के जाएंगे जिम। बाकी चेक करो पर्सनैलिटी कैसी लग रही है, अब सैंडविच खाता हूँ फिर मिलता हूँ। बाकी ट्राई करिए एक बार, हो जाएगा, मैं नहीं कर रहा ट्राई। तो भाई बढ़िया सैंडविच है, एक नंबर। तो गाइस लाइफ एंजॉय करा करो, घूमा फिरा करो, एक ही जिंदगी है, नई नई लड़कियों से बात करो, उनके साथ घूमने जाओ। ऐसा नहीं है यार, ऐसे ही घूमने फिरने आ गए थे, आज बढ़िया मजा आ रहा है। बाकी तुम्हें अभी एक कहानी बताऊंगा गाड़ी में बैठ के, यार रोमियो लेने आया हूँ तो मेरे को एक पुरानी कहानी याद आई, आज से 1.5-2 साल पुरानी फनी कहानी है, गाड़ी में चल के बताता हूँ।
तो भाई जो तुम्हें स्टोरी बतानी थी ना रोमियो लेन वाली, तुम्हारा भाई गोवा गया था 1.5-2 साल पहले, वहां पे एक बंदी कैच करी थी, कैचिंग करी थी, तो उससे दिल्ली में भी आगे मिले थे। तो दिल्ली में मैंने उसे रोमियो लेन बुलाया, फिर वो कह रही यार ये बढ़िया नहीं है, गोवा चलते हैं। मैंने कहा बहन चुप, क्या पागल लड़की है, अरे गोवा चलते हैं। मैंने कहा तू पागल है, दिल्ली आई है फिर गोवा जाऊं तेरे साथ? भाई उससे मैं बहस करी जा रहा, मैंने कहा यही बैठ दे, अब कौन गोवा जाएगा, अब कौन गोवा जाएगा। कह रही तू तो है ही रूड, तू तेरे को 24 घंटे मजाक समझता है ये वो। मैंने कहा भाई क्या पागल लड़की है इसकी बहन की टांग। फिर पता लगा साइड में बोवा विलेज है, वहां जाने को कह रही है। मजा नहीं आया ब्रो भाई, पर सच्ची कहानी उस समय बड़ी फनी थी। अच्छा। वो लड़की मेरे को सीरियस होके कह रही मैं यही बैठी रहा वो अब तेरे साथ जाऊं, मेरे दिमाग में हो, मैंने कहा घर पे क्या बोलूं, गोवा जाना इसके साथ दोबारा? और तेरे से तो भाई मिल चुके, अब तेरे साथ दोबारा जाके करेंगे क्या? ओ सॉरी माइक वो तो नहीं लग रहा, मैं फक बॉय तो साउंड नहीं कर रहा? नहीं नहीं साउंड कर भी रहे हो तो क्या हो गया? फक बॉय तो है तू, लड़कियां कहती हैं कॉल मी फक बॉय बिकॉज़ आई डोंट गिव एनी फक्स। हाय तो भाई अब चलती है जिम, और इससे पहले मैं एक और बात बता रहा था यार, भूल गया। हाँ तो वहां से घूम फिर आए, बाकी ऐसे ही घूमना फिरना लगा रहता है यार, कभी कभी बोर हो जाते हैं, तो लाइफ में चेंज के लिए थोड़ा घूमने फिरने चले जाया करो भाई। लाला मजा आया नहीं आज? बहुत मजा आया यार, कब तक स्कूटी स्कूटी थोड़ा मजा आता है, रोमियो लेन और कान मार के बैठो, वहां बैठो उठो की टांग फॉर्च्यूनर मर्सिडीज से नीचे कोई दिखी नहीं गाड़ी, एंजॉय करो। और अब जाएंगे हम जिम, जिम में एक शोल्डर वर्कआउट होने वाला है जो सॉलिड होने वाला है बिल्कुल, तो उसके लिए 2-3 केले खाते हैं, थोड़ी बातें याद करते हैं, चलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तुम्हारा भाई पूरा तैयार हो गया, अभी बज रहे हैं 9:30, अब निकलते हैं जिम। और आज जिम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल है सैटरडे, कल तो तुम्हें पता तुम्हारा भाई फुल नयाशी का। सुन ले, कल से तुझे कोई मना करे बाहर जाने के लिए भाई, रिश्ता विश्ता जो भी हो तोड़ दियो, कल बोलूं तुझे उन्हें पहन के दिने। कल तो सैटरडे है, कल कोई नहीं रोक सकता भाई, पहले ही एक हफ्ते पहले ही बता दिया था। चला दुनिया तक कल जा नहीं सकती, कल जाऊंगा क्या नहीं देख रहा, पहले बात हो रही है सैटरडे की, पहले माँ का पुद्दा बढ़ गया, पहले बात हो रही है भाई, पहले बात हुई थी नहीं हुई थी लैला, खुद बता दे हैं। कल कल तुम्हें नाइट लाइफ देखनी है, नीचे नीचे कमेंट करके मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी वीडियो में खाली 5,000 लाइक आते हैं, अगर 10,000 आ गए तो जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। ठीक है ठीक है, एक दिन में नहीं, एक दिन के अंदर अंदर। हाँ कल वीडियो डाल रहा हूँ, सुबह डालूंगा वीडियो, कल रात को 10 बजे तक भाई सैटरडे को है 25,000 नहीं, नहीं आते इससे पूछ लो, 5,000 आते हैं, डबल कह रहा हूँ। अगर भाई तुम मेरे को नाइट लाइफ देखना चाहते हो बढ़िया क्लबिंग वगैरह वाली, तो 13,000 लाइक कर दो, और ये 24 घंटे के अंदर अंदर करने आपको मजा मांग देंगे, जो ब्लॉग बनेगा फुल दिल्ली की नाइट लाइफ, ओके मजा आ जाएगा। 13,000 लाइक, 13,000 आने चाहिए पूरे, 13,000 लाइक, और ये 10 बजे से पहले पहले होने चाहिए रात के भाई, करवा देना भाई। अब अपनी बात पे रहना, 13,000 लाइक आ गए तो ठीक है, वरना तो मैं बोलने लगी वीडियो। हाँ ठीक है, 13,000 लाइक पे जाएंगे, इतना भरोसा है यार भाई, वो है पूरा भरोसा है गाइस, तुम्हें सब अपनी बंदी माँ बाप सबकी कसम है, बहन भाई की 13,000 लाइक। हाँ चलो ऊपर कल डाल, उसके बाद डालेंगे 1,00,000 स्पेशल पे डालेंगे। चलो गाइस चलते अब, चलो गाइस कुछ लोग तो वेले ही रह गए भाई, डैडी को पता चलना चाहिए कि उनके लड़के ने प्यार कमाया है ऑनलाइन यूट्यूब पे, 13,000 कमेंट कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करो, क्योंकि देखो गाइस टाइम बहुत कम होगा, सुबह ये कल अपलोड, सुबह ब्लॉग डालूंगा 9-10 बजे, अब पूरी रात एडिट करना पड़ेगा, इसलिए प्री पी रहा हूं, वरना प्री नहीं पी रहा था मैं भाई, क्योंकि अब जाके एडिट करूंगा, सबको कसम है भाई देख लो, क्योंकि इतने मजा आ गया यार, तुम भाई मानते हो तो कर देना, तुम भाई का एंजॉय देखना चाहते हो तो कर देना, क्योंकि अब बात हो गई है 13,000 लाइक चाहिए, फिर सुबह छोले भटूरे खा के घर जाएंगे, रहने की टांग हो गई, नाइट लाइफ होगी ना माँ, फुल क्लबिंग इधर, तातिया बिच्छू भी आ रहा हमने, तातिया बिच्छू को भी ले चलेंगे, सबको ले चलेंगे, क्रिकेट व्रिकेट सब कर देंगे, बस तुमने क्या करना है, एक नॉर्मल सी बात है, जाके लाइक करनी है। चलो प्री भी के जिम में मिलते हैं, आज करेंगे शोल्डर वर्कआउट, और आज तुम्हें थोड़ा वर्कआउट भी एक्सप्लेन करता हूँ बढ़िया अपना कैसा होता है, क्योंकि आज मैं एक नई इंटेंसिटी टेक्निक है वो फॉलो करने जा रहा हूँ, नई तो नहीं है मैं बीच बीच में करता रहता हूँ, इसे FST 7 कहते हैं, जो जेरेमी था उसका कोच था हैनी रैम्बोर्ट, जिसने शिवम को भी ट्रेन किया है, वो करवाते हैं एवरी टेक्निक, तो ये वर्कआउट मेरे को काफ़ी बढ़िया लगता है, 7 सेट होते हैं और उसमें क्या कहते हैं सारे हाई रेप्स के सेट होते हैं, तो वो वाला करना पड़ता है, फाइबर फट जाते हैं पूरे, मजा आएगा। तो भाई माँ की टांग अपने हैनी रैम्बोर्ट की, खुद का वर्कआउट कर रहा हूँ, पहले जो एक्सरसाइज ले रहे हैं वो मिल्ट्री प्रेस ले रहे हैं, और अपना मूड कर रहा है खुद हैवी हैवी मारने का, उसके बाद लाइट ले लेंगे, अभी हैवी लेते हैं 5 सेट। तो भाई ये था मेन सेट, इसका 70 किलो था, 5 रेप आया है, अब 8-8 रेप के 2-3 सेट लेंगे।
तो भाई दूसरी एक्सरसाइज है अपनी डंबल प्रेस, और पहला सेट ही 40 का ले रहा हूँ क्योंकि वार्म अप वगैरह सब हो गया, अब टाइम नहीं है अपने पास फालतू चीज़ों का। पकड़ चल चल तो भाई वर्कआउट हो गया तुम्हारे भाई का पूरा तगड़ा वर्कआउट, और लैला कहीं चला गया था उसको अपने दोस्त के साथ जाना था, तो मैं अकेले ही वर्कआउट कर रहा था और अकेले ही ला रहा हूँ अपना प्रोटीन शेक। बाकी ये जो प्रोटीन है ये अपना एज इट इज का आइसोलेट है, यही पीता हूँ पोस्ट वर्कआउट में, एक नंबर प्रोटीन है भाई, बहुत ही ज़्यादा लाइट है, मतलब ऐसा लगता है कि कोई रसना वगैरह पी रहा हूँ, इतना लाइट है। और प्रोटीन की लैब रिपोर्ट वगैरह ओके है बिल्कुल, तुम्हें पता है 30 ग्राम प्रोटीन मिलता है एक स्कूप में, और इतना लाइट है ये देखो। हाय यार क्या बॉडी लग रही है। बाकी भाई 11:30 बज गया, लेट हो गया हूँ तो, अब लेट हो गया जिम थोड़ा खाली हो जाता है, लड़कियाँ वगैरह नहीं होती, लड़कियाँ वगैरह कह रहा हूँ लड़कियाँ नहीं होती, तो उसका थोड़ा फ़ायदा उठाते हैं, एक बार बॉडी चेक कर लेते हैं कैसी लग रही है। बस तुम्हारा भाई सुनसान रोड पे जिम करके निकला है, हाउ लोनली आई एम। ओके गाइस चलते हैं घर की तरफ अब, क्योंकि 12 बजने को आ रहे हैं, 11:30 कुछ हो रहे हैं, और अभी कुछ हल्का फुल्का खाते हुए जाऊंगा घर, अंडे वंडे क्योंकि घर पे कुछ है नहीं खाने को। तो पहले तो सबसे पहले एक टास्क ये है, अंडे वाला ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद घर जाके व्लॉग एडिट करूंगा। भाई लाइक कर देना कल, तभी नाइट आउट हो पाएगा। और बाकी दूसरी बात, वन लाइफ है, एंजॉय करा करो, बहन की चू टेंशन मत लिया करो, घूमने जाना है घूमने जाओ, थोड़ा पैसा कमाओ, घर वालों को खुश रखो, अपने आप को खुश रखो, बाकी माँ की छूत दुनियादारी की। चलो लेट्स गो, कल मिलते हैं, वीडियो लाइक कर देना भाई प्लीज़। द सूनर यू रियलाइज यू ओनली लिव वंस, तुम्हारी जिंदगी चेंज हो जाएगी बैठ की छूत, फिर तुम हर चीज़ को लाइटली लोगे, क्योंकि भाई एक ही बार आया, ऐश करनी है सब करना है, ठीक है। तो टेंशन मत लिया करो, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत किया करो, दोस्ती यारी सब पार्ट होता लाइफ का, भगवान ने सब कुछ तुम्हें सीखने सिखाने के लिए भेजा हुआ है। कोई दोस्त बैठ कर तुम्हारी गांठ पे लात मारेगा तो वो भगवान नहीं कहोगा इसके दे, ताकि इसको सबक मिले, ताकि अगली बार तुम और अच्छे बनो। तो टेंशन मत लिया करो, मैं अपनी ज़िंदगी में ये समझ चुका हूँ कि हर चीज़ एक लेसन है। तो आज देखो तुम्हारा भाई कहाँ पहुँच गया, फॉर्ब्स की लिस्ट में नाम आता मेरा। चलो कल मिलेंगे अब, वरना ज्ञान चौथा रहूँगा फिर बोरिंग ब्लॉग लगेगा तुम्हें। थोड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी ना चाटी 3 बटन।